तो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सोल्यूशन लेके आ गया हूँ आपका सी बी एस ई का क्लास टेंथ जो है आंसर की आज ही जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जैसे कि पहला क्वेश्चन था ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट तो इसका आंसर क्या हो सकता था इसका आंसर था वाइट बी ए एस ओ फोर ओके तो ये आप टिक कर लीजिए जल्दी से और चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है तो ये आंसर की जो है अभी प्रिपेयरिंग मेथड में है अभी कुछ प्रिपेयर करके मैं आप सभी के सामने लाया हूँ और बाकी सारे भी जल्द से जल्द अपडेट करके मैं आप सभी को बताऊंगा तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स एन ए टू ओ फोर एंड के टू ओ ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आता है स्टडी द डायग्राम डायग्राम आपका दिया हुआ है ये डायग्राम दिया हुआ है इसके बारे में आपको पूछा गया था कि क्या हो सकता है तो इसका आंसर डी था हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूज अ पॉपिंग साउंड तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फोर है आपका उसका आंसर है आपका बी टू एन एंड टू एच टू ओ गि एच टू तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है ऑप्शन uh, बी है इसका अमना क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है आपका इसका आंसर है आपका सी सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड क्या है आपका सोर मिल लैक्ट्रिक एसिड एंड थर्ड जो है एंड स्टिंग मेथेनोइ एसिड तो इसका आंसर है आपका सी चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है आपका सी तो एक्स्ट्रा एक्जो थर्मिक रिएक्शन एक्जो थर्मिक रिएक्शन इसमें जो होगा प्रोसेस इस प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन होगा एक्जोथर्मिक होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है जो भी है यहाँ पे इसका आंसर है आप सभी का सेवन्थ का सी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली मींस एच सी एल इज ऑक्सीडाइज्ड टू सी एल इसमें जो प्रोसेस हुआ है इसमें एच सी एल जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और इसका जो आपका फोर्थ है सॉरी सेकंड है एम एन ओ टू इज रिड्यूस टू एम एन सी एल टू तो इसका आंसर आपका सी है ओके क्वेश्चन नंबर एट कहता है uh, देख लीजिए आप इसको इसमें इसका आंसर है आपका सी सी जो है बेसिस आर सोर एंड चेंज फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्ल्यू ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है आपका डी सोडियम एसिडेट सी एच थ्री सी ओ एच एन एच और बेसिक ओके okay. ये है आपका आंसर नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है आपका ए क्वेश्चन नंबर टेन का जो आंसर है ए द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रजेंट इन द प्रोडक्ट देखिए इसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है कोई भी डाउट आता है कि आपको लगता है कि ए नहीं सी भी होना चाहिए या डी होना चाहिए इस तरीके किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए उस पर हम विचार करेंगे तो अभी जो दिया गया है आपको ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमें लगता है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है जो हमारे साथियों को लगता है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है आपको चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन कहता है ये डायग्राम दिया हुआ है इसके ये क्या है किस बेस पर है तो इसका आंसर आपका होगा करेक्ट जो होगा ए फर्स्ट एंड सेकेंड ऑनली तो फर्स्ट क्या कहता है आप देख लीजिए फर्स्ट जो है ब्लड वेसल ए इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स एंड सेकेंड ऑनली सेकेंड ब्लड वेसल बी लेफ्ट अट्रियम रिलैक्सेस एंड एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम इट्स ब्लड वेसल तो ये है ओके अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल तो आप इसका भी टिक कर सकते हैं तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भी आ, तो आप सभी को ये सारी जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा तब तक आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक मैच कर लीजिए ओके मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में तब तक इतना कर लीजिए जितना भी सही है अगर कोई लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख बताइए जिससे हम इसको आगे भी कर सकें ओके थैंक यू सो मच बने रहिए हमारे साथ